कल सभी कार्यकर्ता और सहायिका को 10-10 लाडली बहनाओं को लेकर नगर पालिका में उपस्थित होना है। सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि महिलाएं 10 से अधिक भी हो सकती है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन महिलाएं आना चाहिए और सभी लाडली बहनाओं से बोले कि वे अपना मोबाइल साथ में लेकर आए। यह कार्यक्रम एक भव्य रूप में होना है, सभी ध्यान देंगे। यदि हम जनप्रतिनिधि की बात नहीं मानेंगे, उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो आप सोच लो कि वो लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि किसी भी कार्यक्रम में हमें यह बोला जाता है कि आप हितग्राही को लेकर आए, और लाडली बहना तो ऐसा हितग्राही है जो हर महिला उसका लाभ उठा रही है, तो फिर आप लोगों को उनको लाने में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या है कि आप लोग उन महिलाओं को नहीं निकाल पाते हैं? वहीं अगर सीएम है ये आवाज़ पांडुना की महिला बाल विकास अधिकारी शुकवंती झरवाड़ी की है। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में ये ऑडियो सेंड किया और हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 50 से ज्यादा लाडली बहनों को लक्ष्मी भवन लाने का आदेश दिया, या यूं कहें कि एक तरह से चेतावनी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी लाडली बहनों को लेकर तय स्थान पर पहुंच गई, लेकिन जब महिलाओं ने वहां चल रहे कार्यक्रम को देखा तो सभी हैरान रह गए। जब बहनें लक्ष्मी स्मृति भवन पहुंची तो यहां बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी था। यहां पर महिलाओं को बीजेपी की मेंबरशिप दिलाई जाने लगी। जब महिलाओं के मोबाइल पर ओटीपी आए तो हंगामा मच गया। हंगामा देख कुछ महिलाएं कार्यक्रम छोड़कर भी चली गईं। जैसे ही ये खबर कांग्रेस को पता चली तो कांग्रेस नेत्रियां भी लक्ष्मी स्मृति भवन पहुंच गईं। मौके पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद कांग्रेस नेत्रियां कलेक्ट्रेट पहुंची और महिला एवं बाल विकास अधिकारी को हटाने की मांग की। बताया कि हमको टारगेट दिए थे 50-50 महिलाओं को लेके आना है। बीजेपी महिला पदाधिकारी वहाँ लीड कर रहे हैं। सर वो प्रायोजित तो कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी के लीडर क्या कर रहे हैं? अधिकारी ऐसा कर सकते हैं? ये सम्मानी लाडी बहना आपको भाजपा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ग्रहण की गई जिसके सभी ने हमारे पास बस मोबाइल नंबर दो, मोबाइल लेके आओ अधिकारी। अरे सर आपको मैडम ने गुमराह किया तहसीलदार मैडम गुमराह किया और सीएमओ को कारण बताओ नोटिस दे ये हॉल कैसा आपने दिया कर जो दोषी है उसमें अधिकारी आपके ऐसा सबक भी ले उनको कि फिर से कोई ना करे। उधर इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे थे, हमने किसी भी लाडली बहनों को नहीं बुलाया। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।